वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में किया जाएगा और उस धरने में हम लोग सरकार को ये चेतावनी देने का काम करेंगे कि आपने वादा खिलाफी की है, चुनाव में कहा था बिजली मुफ्त मिलेगी किसानों को, बिजली का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली किसानों की मुफ्त कीजिए नंबर एक, और 25,133 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ज़्यादा लूटा गया है, ज़्यादा वसूला गया है, ज़्यादा भ्रष्टाचार करके लिया गया है, वो पैसा बिजली उपभोक्ताओं को या तो वापस कीजिए या बिजली का दाम कम करके उसको एडजस्ट कीजिए। इन मांगों को लेकर 23 जनवरी को पहला धरना होगा नंबर एक लखनऊ के अंदर, वादा खिलाफी के खिलाफ चेतावनी धरना। उसके बाद 27 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी भी जिला इकाइयां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सरकार के को ज्ञापन देंगी। उसके बाद 1 फरवरी से सभी नगर क्षेत्रों के वार्डों के अंदर हम लोग अभियान चलाएंगे कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो। बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, बढ़ाने की तो बात मत करो, हमसे जो ज़्यादा वसूली की है आपने उसके हिसाब से आप बिजली के दाम कम कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम कम कीजिए और किसानों को जो आपने बिजली मुफ्त देने का वादा किया था उस वादे को आप पूरा कीजिए। इन मुद्दों को लेके 1 फरवरी से हर शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में जनता का आंदोलन बनाया जाएगा, इसको एक व्यापक आंदोलन बनाया जाएगा, एक फॉर्म भरवाए जाएंगे, लोगों से आंदोलन में हिस्सेदारी की अपील की जाएगी। तो ये हमारा ये बिजली के खिलाफ चेतावनी का, बिजली के मामले में वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा ये चेतावनी का आंदोलन चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।